आज के वीडियो में हम बात करेंगे आइडल मुंबई यूनिवर्सिटी का ऑफलाइन एग्जामिनेशन के लिए कैसे स्टडी करें, कैसे प्रिपेयर करें। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, आई एम श्योर कि एक दो क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को डाउट रहेगा। जैसे अगर एग्जामिनेशन ऑफलाइन होगा, अभी जो एग्जामिनेशन आएंगे कभी 2022 और 23 अकेडमी के, मतलब अगर आपने एफ वाई में एडमिशन लिया है या एस वाई में लिया है या टी वाई में लिया है, अभी इस साल एडमिशन लिया है, तो उसके एग्जामिनेशन जो होंगे, ठीक है, वो ऑफलाइन एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे, तो उसका कैसे आपको स्टडी करना है, राइट। सो यहाँ पे कैसे स्टडी आप कर सकते हैं, इसका डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे, आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा मैं। पेपर पैटर्न क्या होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, और कौन कौन से चैप्टर्स आप ऑप्शन में डाल सकते हो, ठीक है, और कुछ वीडियो लेक्चर्स उसके ऊपर भी मैं गाइड करूँगा, राइट। क्या कोई डाइजेस्ट होता है आइडल मुंबई यूनिवर्सिटी का, जो है अगर आप बीकॉम में हो या बीए में हो या कोई दूसरे सब्जेक्ट्स दूसरे कोर्स कर रहे हो, तो क्या उसके कोई डाइजेस्ट होते हैं जिसको हम पढ़ के एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं? तो मेरा ये आंसर है नो, ठीक है, कोई डाइजेस्ट नहीं होता है। इसके ऊपर भी मैं डिस्कस करूँगा, डोंट वरी, ठीक है। एग्जामिनेशन जो ऑफलाइन होंगे, क्या वो हार्ड होंगे या ईजी होंगे, ठीक है, इसका आंसर वेरी सिंपल, पढ़ाई करोगे तो इजी होगा, नहीं पढ़ाई करोगे तो टफ और हार्ड होगा। ओल्ड क्वेश्चन पेपर कहाँ से अवेलेबल होंगे, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट को डाउट रहेगा। देखो अभी 2020 में एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुआ है, राइट, तो उसके हिसाब से सेमेस्टर पैटर्न आया। कौन सा पैटर्न आया? सेमेस्टर पैटर्न, CBCS चॉइस बेस्ड सेमेस्टर पैटर्न। तो इसमें दो दो सेमेस्टर होने लग गए, पहले साल में एक बार एग्ज़ाम होता था, साल में दो बार एग्ज़ाम होता जैसे रेगुलर का। तो 2020 में जो है ये इम्प्लीमेंट किया गया, और उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम्स हुए वो सारे ऑनलाइन हो गए, एग्जामिनेशन क्या हुए हैं, सारे ऑनलाइन हुए। तो पेपर पैटर्न हमको कहाँ से मिलेगा, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। और अगर हमको वो पेपर मिलता है तो क्या ओल्ड क्वेश्चन पेपर के हिसाब से हमको पढ़ना चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो और भी बहुत सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। और इसके पहले अगर आपने आपका एग्जामिनेशन, लाइक आपको डाउट है कि आपका एग्जामिनेशन कब होगा, तो उसके ऊपर एक वीडियो मैंने बना के रखा है। ATKT के रिगार्डिंग कुछ डाउट है उसके ऊपर एक वीडियो मैंने बना के रखा है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बना के रखे हैं, प्ले लिस्ट में सिंपली आपको जाना है मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप वीडियोज़ देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपको स्टडी करना है, राइट। देखो कोई भी टॉपिक्स स्टडी करने के लिए, आप बीकॉम कर रहे हो या फिर बीए कर रहे हो, राइट, या फिर आप एमकॉम कर रहे हो या एमए कर रहे हो, तो आपको कैसे स्टडी करना है, तो कोई भी टॉपिक्स, मेरे हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ने से पहले आपको उसका पेपर पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है। पेपर पैटर्न आपको पता होना चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, सिलेबस कौन कौन से, उसका सिलेबस क्या है, ठीक है, उसके अंदर कितने मॉड्यूल्स हैं, कितने यूनिट हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अगर ये दोनों आपको पता है, फिर आपको ये पता चल जाएगा कि उसमें कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं है। वो कैसे, उसका मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, जो है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे बुक्स ओपन करके। देखिए ये मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, यहाँ पे आप आओगे तो आपको ये स्टडी मटेरियल वाला टॉपिक दिखेगा, इसमें जो है आप आके बुक्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक सब्जेक्ट उठाया, फाउंडेशन कोर्स, ठीक है, जो बीकॉम और बीए दोनों सेम होता है। तो मैंने कैसे बताया कि कैसे आपको स्टडी करना है, तो मैंने आपको क्या बोला, पहले आपको पेपर पैटर्न और साथ में आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अब ये जो आपका जो ये कंटेंट है, ये क्या हुआ, सिलेबस है। टोटल कितने टॉपिक है, देर आर लाइक 5 मॉड्यूल्स। अब आपको सारे पढ़ने हैं क्या? नो, यू डोंट हैव टू स्टडी एवरीथिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप सारे तो कवर कर नहीं सकते, अगर आप सारे करने जाओगे तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा छूट जाएगा, बहुत सारे टॉपिक्स आप मिस आउट कर दोगे, ठीक है। दूसरे आप पेपर के लिए, एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आपको पूरा पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हो तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ चैप्टर्स जो है ऑप्शन में डालने पड़ेंगे, ठीक है। वो कैसे आपको पता चलेगा, पेपर पैटर्न से पता चलेगा। तो चलो हम लोग पेपर पैटर्न भी देख लेते हैं, अगर यहाँ पे पेपर पैटर्न दिया तो अच्छी बात है, दिया रहेगा मोस्ट प्रोबली। अब देखिए ये पूरा अच्छे से सिलेबस दिया है, ठीक है, पूरा एफ वाई बी ए का यहाँ पे मेंशन किया है, ये बीकॉम के लिए भी सेम ही है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे चार, टोटल 5 यूनिट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पेपर पैटर्न नहीं दिया, मतलब आप आइडल के बुक के एकदम लास्ट में जाओगे या तो स्टार्टिंग में,
ठीक है, दोनों में दिया रहेगा। जिस सब्जेक्ट्स का पेपर पैटर्न नहीं दिया है कमेंट करो और फिर मैं उस सब्जेक्ट्स का पेपर पैटर्न के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, विद क्वेश्चंस के साथ, डोंट वरी। ओके, अगर आप आइडल स्टूडेंट हो तो ये चैनल सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं जो आपको ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्प मिलेगी, राइट। चलो, तो मैंने क्या बोला, सिलेबस देखा आपने, टॉपिक्स जो थे वो देख लिया आपने, सिलेबस देख लिया कौन कौन से टॉपिक्स हैं, टोटल 5 यूनिट्स है, 5 सिलेबस है। अब 5 यूनिट्स में कौन कौन से आपको करने, वो कैसे पता चलेगा, आपको पेपर पैटर्न देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, ये आपका कितने मार्क का है, 75 मार्क का। सिर्फ एफसी पेपर जो होता है वो 75 मार्क का होता है, बाकी सारे पेपर 100 मार्क के होते हैं। क्या बोला मैंने, 75 मार्क सिर्फ एफसी पेपर होता है, बाकी सारे पेपर ऑलमोस्ट 100 मार्क के होते हैं। तो कुछ कुछ सब्जेक्ट्स, ठीक है, हो सकता है ज्योग्राफी, हो सकता है उसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल्स हो, कुछ सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल्स होते हैं, उस प्रैक्टिकल्स कैसे कंडक्ट कराएगा आइडोल ने कुछ अभी तक अपडेट नहीं किया है ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए। ऑनलाइन का तो एग्जाम्स हो जाता था, बट ऑफलाइन के लिए कुछ अपडेट नहीं किया है। तो जब अपडेट आएगा प्रोजेक्ट्स का तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। बाकी सारे 100 मार्क के होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने पेपर पैटर्न देख लिया, ओके ना, अब पेपर पैटर्न 75 मार्क का है, ठीक है, और उसमें कितने नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं, 2.5 घंटा है, ठीक है। अब कौन से क्वेश्चंस आपको करने, वो कैसे पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपको ये 15 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, फुल लेंथ आंसर्स, ठीक है। मतलब कोई यहाँ पे एक क्वेश्चन ए फॉर्म में दिया रहेगा, यहाँ पे बी फॉर्म में दिया रहेगा, इस तरीके से दिया रहेगा। या तो ये ए बी दिया रहेगा, ए और बी दो क्वेश्चन दिया रहेगा, एक 7 मार्क का रहेगा 8 मार्क का, और यहाँ पे सी और डी फॉर्म में दिया रहेगा 7 मार्क का और 8 मार्क का। या तो सिर्फ ए दिया रहेगा, यहाँ पे ए दिया रहेगा, यहाँ पे भी आ रहेगा, एक क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 15 मार्क का ऐसे दिया रहेगा। फिर अगेन इसमें भी सेम वही, या तो ए दिया रहेगा यहाँ पे, ए बी दिया रहेगा, या तो एक एक क्वेश्चन या तो ए करो या तो फिर बी करो, या तो जो है फर्स्ट वाले में ए वाले फॉर्म में दिया रहेगा और एक बी फॉर्म, मतलब दो क्वेश्चन दिया रहेगा, या तो आप ए वाला फर्स्ट, मतलब ये दोनों ए बी कर लो या फिर आप सी डी कर लो। आप ए और सी नहीं कर सकते, ए बी कर सकते या तो फिर सी डी, दोनों कर सकते, राइट। इस तरीके से जो है आपका सिलेबस रहेगा 15 मार्क का, ठीक है। और लास्ट वाला जो दिया है अपने को शॉर्ट नोट दिया है, जिसमें से 5 क्वेश्चन पूछेगा और 3 अपने को आंसर देना, अगेन ये 15 मार्क का रहेगा, ठीक है। अब अपने पेपर पैटर्न देख लिए, अब आपको 75 है, ठीक है, 75 मार्क का है ना, 75 मार्क का आपको सिर्फ पास होना है। तो देखिए, मेरे लिए सबसे ईजी, सबसे पहले मेरा दिमाग कहाँ जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 में जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। और शॉर्ट नोट जो होता है, 2 चैप्टर्स कर लिया तो आपके 2 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो वो कौन से 2 यूनिट होंगे, स्टार्टिंग के 2 यूनिट्स होंगे। अगर आपने दोनों यूनिट कर लिया तो आपका शॉर्ट नोट्स 2 कवर हो जाएगा, राइट। और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ऑब्जेक्टिव्स है, जो सभी स्टूडेंट के लिए वरदान होता है। सारे सब्जेक्ट्स में एमसीक्यूज नहीं आते हैं, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में एमसीक्यूज हैं, कुछ सब्जेक्ट्स में एमसीक्यूज नहीं है, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक्स एमसीक्यूज होगा, बिजनेस कम्युनिकेशन यस पॉसिबल है, एमसीक्यूज रहेगा, ठीक है। बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे बिजनेस लॉ है, उसमें एमसीक्यूज नहीं रहेगा, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स में एमसीक्यूज है, कुछ सब्जेक्ट्स में एमसीक्यूज नहीं है। वो कैसे आपको पता चलेगा, सिंपली आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है। अगर आप बीकॉम स्टूडेंट हो तो आप जो है यहाँ पे, जस्ट मैं बैक करता हूँ, ठीक है। देखो, अगर आप बीकॉम स्टूडेंट हो तो बीकॉम पे क्लिक करो, अगर आप बीए स्टूडेंट हो तो आप यहाँ पे बीए पे क्लिक करो, और फिर वो सब्जेक्ट्स के जाके प्ले जो है पेपर पैटर्न आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी के जो नए बुक जितने भी अपडेट हुए हैं, सारे बुक्स में ऑलरेडी पेपर पैटर्न दिया है, ठीक है। तो अभी आपने सिलेबस देख लिया, अभी आपने क्या पेपर पैटर्न देख लिया, तो इससे आपको क्या समझ में आया कि क्वेश्चन नंबर 1 जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको हम लोग ऑप्शन, मतलब उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, वो हमारा स्कोरिंग मार्क्स होगा, ठीक है। तो आपको शॉर्ट नोट्स करना है और फिर क्वेश्चन नंबर 2 करना है, अगर सिर्फ मुझे पास होना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है और क्वेश्चन नंबर 5 करना है, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट यूनिट कर लेता हूँ तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 कवर हो जाएगा, ओके। अगर मैं फर्स्ट यूनिट कर लेता हूँ, पहला चैप्टर अगर मैं कर लेता हूँ, मतलब फर्स्ट यूनिट, एक यूनिट में 2-3 चैप्टर भी हो सकते हैं या 1 चैप्टर हो सकता है, तो फर्स्ट यूनिट कर लिया तो एक क्वेश्चन ये 15 मार्क का मेरा कवर हो गया, और दूसरा वाला चैप्टर कर लिया तो साथ में मेरा जो ये शॉर्ट नोट्स का 10 मार्क का कवर हो गया। तो 15 + 10 = 25 और ऑब्जेक्टिव्स में से 10 तो हो गया टोटल 35। बाकी ये तो 75 में का, 100 मार्क का होता तो और अच्छे से आप ज़्यादा स्कोर कर सकते, राइट। तो अब जो है हम वापस से सिलेबस के ऊपर चलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब उसके हिसाब से ये, इसके हिसाब से अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, ठीक है, ये रेगुलर का सेम पेपर पैटर्न है, क्वेश्चन पेपर चाहिए, कमेंट करके बताओ कि यस सर जो है हमको सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर चाहिए, एक एक सैम्पल पेपर्स, कमेंट करो और सब्जेक्ट्स लिखो और कमेंट करो, ठीक है।
और फिर मैं क्या करूँगा, सारे सब्जेक्ट्स के आपको पेपर पैटर्न दूंगा विथ सॉल्यूशन के साथ, एकदम शॉर्ट में सॉल्यूशन दूंगा। सारे सब्जेक्ट्स का तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन पेपर सेट लिस्ट आपको एक दो क्वेश्चन पेपर सेट दे दूंगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स सिर्फ आप मेंशन करो, ठीक है। एक दिन नहीं लगेगा, एक महीना लग सकता है या दो महीने लग सकता है, लेकिन आपके एग्जाम्स के पहले एटलीस्ट बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, अगर आप आओगे वापस से सिलेबस से, ये वाला सिलेबस देखो, तो यहाँ पे जो है अगर आपने फर्स्ट यूनिट कर लिया तो यहाँ से आपके 15 मार्क कवर हो गए, और सेकेंड यूनिट कर लिया यहाँ से आपके 15 मार्क कवर हो गए, तो टोटल 30 मार्क्स हो गया, बाकी प्लस ऑब्जेक्टिव 15, तो टोटल 45 मार्क्स। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सिर्फ सिंपल ये करना है कि इसमें से इम्पॉर्टेंट कौन से हैं। चलो मैं बता देता हूँ आपको इम्पॉर्टेंस कौन कौन से हो सकते हैं। अगर हम लोग इसमें बात करें, ये यहाँ पे ओके यूनिट 5 में, तो यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम्स रूरल अर्बन इम्प्लॉज, ओके ये वाला रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये थर्ड एंड 74 अमेंडमेंट, ये वाला जो है आप पढ़ सकते हैं। अगर ये वाला आप, चलो मान लीजिए ये वाला आप नहीं करते, ठीक है, चलो ले, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, सेल्फ जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल अर्बन एरियाज, ये वाला टॉपिक, दो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, मैंने बता दिया इम्पोर्टेंस। आपने दो यूनिट अच्छे से कर लिया, उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कैसे मुझे पता चला, क्योंकि मैं खुद एफसी पढ़ाता हूँ, और बाकी भी सब्जेक्ट्स का मैं बता सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, जो टॉपिक्स रहते हैं इम्पोर्टेंस समझ में आ जाता है वो चीज़। अभी जैसे मॉड्यूल 4 का है, मॉड्यूल 4 में जो है ये फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यस इट कैन बी इम्पोर्टेंट। यहाँ पे ड्यूटीज जो जी दिया, फंडामेंटल ड्यूटीज, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ, ओके नो, ठीक है, ये क्वेश्चन कर लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये क्या नॉलेज वाले टॉपिक्स हैं, इसमें आप पढ़ोगे तो आपने जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चलेगा, राइट। तो ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट, राइट। अभी आपको कैसे स्टडी करना हो आपको समझ में आ गया, पहले क्या देखना आपको, उसका सिलेबस, उसका पेपर पैटर्न देखना है, ठीक है। उसके हिसाब से क्या करना है आपको, एक दो यूनिट अच्छे से कर लेना है। आप कोई भी, आप बीकॉम हो, बीए, कोई भी सब्जेक्ट उठाओ, हर यूनिट इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। ये भी यूनिट कितने मार्क का रहेगा, 15 मार्क का ही रहेगा, ये भी यूनिट 15 मार्क का ही रहेगा, ठीक है। तो अगर आप एक यूनिट एग्जिम्प्ट करोगे तो आपका 15 मार्क छूट जाएगा। तो बेटर क्या है कि दो यूनिट अच्छे से कर लो, मतलब 50% जो सिलेबस है वो आप अच्छे से पढ़ाई कर लो, बाकी के 50% क्या करेंगे, अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाई करेंगे, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि कैसे आपको स्टडी करना है, ओके। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे वापस से, जो है कैसे स्टडी करना है आपको, पेपर पैटर्न क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, हर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अब फर्स्ट सेकेंड यूनिट होता है या फर्स्ट मॉड्यूल सेकेंड मॉड्यूल, उससे बेटर क्या है कि आप मॉड्यूल वाइज देखिए कौन सा मॉड्यूल आपके लिए ईजी होता है, ठीक है। अब चार मॉड्यूल्स हो सकता है कि आपको फोर्थ मॉड्यूल अच्छा लगे, मतलब इजी लगे, या थर्ड मॉड्यूल इजी लगे, तो जो आपको इजी लगता है, जिस जो टॉपिक आपको जल्दी समझ में आता है वो मॉड्यूल आप कर लो। तो उससे भी क्या होते हैं कि आपके 50% सिलेबस जो यूनिट है, दो मॉड्यूल आपने कर लिया, मतलब वो आपके इंपॉर्टेंस हो गए, बाकी के जो टॉपिक्स हैं उसमें से जो आपको ईजी लगता है उसके हिसाब से पढ़ाई करो, ठीक है, और पेपर बेटर। इसका मैंने आंसर पहले दे दिया, कोई डाइजेस्ट नहीं होता है भाई, देखो आइडल स्टूडेंट हो, पहले जो कुछ एक कोई तो बुक का एक ऑथर जो आंसर्स के साथ भेजते हैं, लेकिन अभी के वक्त में वो यूज़ नहीं है, क्योंकि अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हुए हैं, ऑफलाइन नहीं हुए, तो कोई ओल्ड पेपर तो अपने पास है ही नहीं, ठीक है, तो उसका अपन रेफर कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो डाइजेस्ट के पीछे मत भागो भाई, ये बुक जो है, बुक इटसेल्फ इट इज़ अ डाइजेस्ट, वो खुद डाइजेस्ट है, ठीक है। तो आप कंसेप्ट क्लियर करो, डाइजेस्ट के पीछे मत भागो, ठीक है। अभी ग्रेजुएशन आप कर रहे हो, थोड़ा दिमाग आप ओपन करो, ठीक है। तो डाइजेस्ट का कोई है ही नहीं, अगर आप कर रहे हो कोई डाइजेस्ट यूज़ कर रहे हो तो फिर वो आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट, ठीक है, क्यों कोई डाइजेस्ट है, ठीक है। मोस्टली बुक्स रेफर करो आप, ठीक है, बहुत सारे आपको आर्टिकल्स, बहुत सारे आपको रेगुलर कॉलेजेस के जो बुक्स होते हैं वो भी आप रेफर कर सकते हो, अगर सिलेबस सेम है तो। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट का क्वेश्चन हो सकता है कि सर क्या आप रेगुलर बुक्स यूज़ कर सकते हैं, यस सपोज यू कैन यूज़, बट आप चेक कर लो कि सिलेबस जो मैंने आपको बताया ना कि पेपर यहाँ पे जो कैसे स्टडी करने में सिलेबस आपको दिखाया है वो यूनिट वाइज, तो उसमें जो सिलेबस आपके बुक में दिया है आइडल के बुक में, वो सिलेबस अगर रेगुलर कॉलेज में है तो सेम चीज़ आप स्टडी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन राइट दैट पॉइंट, ओके। अब यहाँ पे जैसे बताया इजी होगा या हार्ड होगा, देखो अभी से मैंने ये वीडियो अपडेट कर दिया, तो अभी आपका काम क्या है कि दिन भर में एक घंटा, कितना 1 आवर्स,
आज के वक्त के हिसाब से, ठीक है, जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से अगर आप 1 घंटा भी पढ़ाई कर लेते हो ना, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि 1 घंटा जब पढ़ने के लिए बैठते हो तो कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि 1 घंटा पढ़ने बैठते होता ही नहीं है, मोबाइल आ जाएगा, मतलब नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर क्या वापस उसमें माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। यूट्यूब पे वीडियो देखने चला, 10 मिनट वीडियो देखा, बाकी 45 मिनट वेस्ट किया, ऐसा नहीं। आप बैठ रहे तो इक्विपमेंट के साथ पढ़ो और 1 घंटा कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ो, ठीक है। पहले आप आधा घंटा दो, 1 घंटा दो, फिर धीरे धीरे आपका टाइमिंग इंक्रीज करो, तो उससे आपको काफ़ी ईजी होगा स्टडी करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो फिर भाई कोई ओल्ड पेपर रिपर ही मत करो, ठीक है, क्योंकि वो सारे एनुअल के हैं। अगर आप एनुअल पैटर्न के रिफ़र करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, अभी जो सेमेस्टर पैटर्न है उसके हिसाब से आपको रिफ़र करना है। हाँ, यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हो कि अगर आपके सिलेबस सेम है रेगुलर कॉलेज से, तो उसके पेपर आप रेफर कर सकते हो। अभी बीकॉम में जैसे एफसी का पेपर सेम होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन का ऑलमोस्ट सेम होता है, इकोनॉमिक्स का ऑलमोस्ट सेम होता है, क्योंकि सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम ही है, तो वो केस में आप रेफर कर सकते हो। लेकिन बीए में कुछ सब्जेक्ट्स सेम नहीं है, सिलेबस में कुछ टॉपिक्स डिफरेंट है। अगर आप टीवाई में हो तो टीवाई के इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट है रेगुलर कॉलेज से, तो वो सेम आप प्रेफर नहीं कर सकते पेपर, ठीक है। तो जहाँ पे सिलेबस सेम है वहाँ पे आप रेगुलर कॉलेज का बुक्स या पेपर जो है रेफर कर सकते हो, ठीक है। सो आई एम श्योर कि आपको यहाँ से कुछ आइडिया मिल गया होगा कि कैसे स्टडी करना है। नाउ आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्रॉपर एक क्लियर मैसेज, मतलब कमेंट करके बताओ, तो वो सारे क्वेश्चंस के लेके एक एक करके मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा, जिससे आप सभी स्टूडेंट को हेल्प हो, आइडियल स्टूडेंट्स को, राइट। सो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता था कि कैसे आपको स्टडी करना है। अगर आपके माइंड में कुछ आइडिया है तो कमेंट में जरूर मेंशन कर देना, और अगर आप आइडियल स्टूडेंट हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ऐसे ही अच्छे वीडियोस मैं अपलोड करते रहूँगा, जिससे आपका जब ऑफलाइन एग्जाम्स होगा तो आप पहले से प्रिपेयर रहो, ठीक है। मतलब आप डरो मत, मतलब आपके अंदर से डर खत्म हो जाना चाहिए, हाँ एग्जाम ऐसे होता है, ऐसे पढ़ना है, क्या चीज़ है, राइट। सो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक पर क्या होना चाहिए कमेंट करके बता देना, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा।